अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आपको जागो लाहौर में खुश आमदेद कहेंगे, मुझे आमना खटाना कहते हैं। जनाब आज फ्राइडे का दिन है यानी जुमातुल मुबारक है, तो सबसे पहले आपको ढेर सारी मुबारकबाद। जुमे के दिन के बारे में कहा जाता है कि इसको ईद की तरह मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पूरे वीकडेज में ऐसा कोई दिन नहीं है जो इतना बाबरकत हो या इतना खूबसूरत दिन हो। तो हमें चाहिए कि कोशिश ये करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा देखें और ईद की तरह तैयारियां करें, ईद की तरह इसका एहतमाम करें। और मैं ये चाहूंगी कि आज जुमे का आगाज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजकर इसका आगाज करें। तो मैं चाहूंगी कि मेरी टीम समेत जो जो हमें देख रहे हैं वो दरूद शरीफ पढ़ें। तो जनाब हम बात कर रहे थे कि जुमा है आज, तो इसका एहतमाम भी ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अभी हम प्रोग्राम की जाने बढ़ेंगे और आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, कल हम इस तरह से डिस्कस नहीं कर पाए थे। मैंने बात की थी कि डिजाइनर्स आज हमारे साथ होंगे और हमें बताएंगे कि ईद शादी के पहनावे क्या होने चाहिए, क्योंकि शादियों का सीजन है। लेकिन हम उस तरह से इसलिए कवर नहीं कर पाए, कल पेशी आ गई शहबाज शरीफ साहब की, तो उसकी वजह से जब ऐसे कोई हंगामी सूरत हाल आती है तो हमारा अचानक से प्लान चेंज हो जाता है, गेस्ट को भी हमें फिर कहना पड़ता है, माजरत करनी पड़ती है उनको। तो इसलिए आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, इसलिए आपने कहीं नहीं जाना, शो को ट्यून इन कर लें, जिसने अभी नहीं किया वो भी देख लें कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि अभी से ही जागो लाहौर लगाकर बैठ जाए और अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे और इस रिसर्च को शामिल करेंगे। ये रिसर्च है, रोबोट भी खला नूर्द बन गया है और म्यूजिक बजाने का भी माहिर है, ये कौन सा रोबोट है इसके बारे में बात करते हैं। आपने खलाई स्टेशन पर इंसानों को सफर करते तो देखा ही होगा, लेकिन अब रोबोट भी खला के सफर करते नजर आएंगे। और ये इस तरह से है कि जर्मन एरोस्पेस सेंटर का तैयार करदा खला नूर्द रोबोट इंटरनेशनल खलाई स्टेशन पहुंच गया है, जहां इसने यूरोपीय खला नूर्द के साथ पहली बार दिलचस्प गुफ्तगू की है। आप देख सकते हैं कि ये एक फुटबॉल की तरह बना हुआ है, साइमन इसका नाम है और इसका वजन यानी इसका वेट 5 kg है। मुनफरिद नौयत का ये रोबोट उड़ने और तैरने की सलाहियत भी रखता है और इसके साथ साथ 1000 से ज्यादा अल्फाजों मुख्तलिफ जुमले समझने के साथ साथ म्यूजिक बजाकर अपने इंसान खला नूर्दों को तफरी पहुंचाएगा। बड़ा मजे का, बड़ा इंटरेस्टिंग ये रोबोट इन्होंने बनाया है। और दूसरी जानब सिस्टम में खराबी या कोई खतरनाक सूरत हाल से आगाह भी करेगा। तो आप देख सकते हैं, रोबोट आप देख रहे हैं किस तरह मजे मजे के, और मैं बता रही थी जैसे कि ये लैंग्वेजेस बोलता है और उसके साथ साथ म्यूजिक भी बजाता है। और इसकी बात की जाए तो ये 5 kg का वेट है सर, तो छोटा सा ये रोबोट इतनी सारी तफरी आपको दे सकता है। इस पर काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये रिसर्च हुई है। अब हम अगली रिसर्च की जानिब जाएंगे और ये रिसर्च है हमारी, हीरे जवाहरात से मुजयन जहाज की हकीकत सामने आ गई है। ये क्या हकीकत है? पाकिस्तान की नौजवान आर्टिस्ट ने एमिरेट्स एयरलाइन के तैयारे को हीरो से मुजयन करके सबको हैरत में डाल दिया है। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर ये बहुत वायरल हुई है। सोशल मीडिया पर यूएई मतलब अगर बात करें हम तो वहां की फजाई कंपनी के जहाज की एक तस्वीर वायरल हुई है जो रनवे पर खड़ा हुआ था। और हैरान कुन बात ये थी कि ये तैयारा आम नहीं बल्कि कीमती हीरे जवाहरात से मुजयन है। कितना खूबसूरत तैयारा है ये देखने में भी, देख लें आप। एमिरेट्स एयरलाइन ने भी सामाजिक रابطے की वेबसाइट पर तस्वीर शेयर करते हुए ये लिखा था कि ये बोइंग 777 तैयारा है, यानी 777 तैयारा है। और ये तस्वीर सबसे पहले आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम अकाउंट पर सारा शकील नामी खातून ने शेयर की है और इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी खातून ने इसको शेयर किया है। सोशल मीडिया सार्फीन ने तस्वीर को बहुत पसंद किया है हमारी तरह, और ये वायरल भी हो गई है। एमिरेट्स एयरलाइन के इलम में जब ये बात आई तो उन्होंने भी तस्वीर अपने सोशल मीडिया फॉर्म पर शेयर कर दी ताकि लोग इससे मुतासिर हो जाएं। सारा ने एक और तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है और इसमें दिखाया कि चाय के कप से हीरे बाहर निकल रहे हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने ये तासुर दिया कि ये जहाज के अंदर की तस्वीर है। एमिरेट्स एयरलाइन ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उनके पास इस तरह का कोई कीमती जहाज मौजूद ही नहीं है। अलबत्ता ये तस्वीर पाकिस्तानी आर्टिस्ट का कारनामा है, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये तो मैं पहले भी कहती रहती हूँ, लेकिन इस टैलेंट को सामने आने की जरूरत है, निखरने की जरूरत है।
और ये कि हमें भी चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए जो हमारा टैलेंट है उसको सामने लेकर आए, उसको निखारें और पता चले कि हमारे में क्या टैलेंट है, दुनिया उस टैलेंट को देखे और सराहे। अब हम अपनी अगली रिसर्च की जानिब जाते हैं और ये रिसर्च है जापानी चिड़ियाघर में पेंगुइन्स की क्रिसमस परेड। तो ये किस तरह से इन पेंगुइन्स, कितने खूबसूरत पेंगुइन्स हैं जिन्होंने ये क्रिसमस परेड में हिस्सा लिया है और ये वहां पर मौजूद लोगों के सामने ऐसे बन सवर कर क्रिसमस मनाती निकली हैं कि कोई भी इनको दाद दिए बगैर नहीं रह सका। भाई हम यहाँ पर बैठे दाद दे रहे हैं, तो जब ये सामने लाइव आपने ये मनाजिर देखे होंगे तो कैसा लगेगा। बहरहाल फलाही मकासद के लिए ये परेड मुनाकिद की गई थी और इस परेड में पेंगुइन्स को सेंटा क्लॉज का मखसूस लाल और यानी रेड और व्हाइट जिसको हम कहते हैं लिबास पहनाया गया था और कोट के साथ गले में नन्ही घंटियां भी बांधी गई थी जो पेंगुइन्स के चलते ही एक बड़ी खूबसूरत सी धुन बजाती रही हैं घंटियां और जिससे हाजरीन इंटरटेन होते रहे। बहरहाल इस दिलचस्प परेड को देखने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर पहुंच गई और शायकी ने चिड़ियाघर का भी रुख किया और पेंगुइन्स के साथ पोज देकर तस्वीर भी बनवाई। अब तो भाई सोशल मीडिया का जमाना है, फटाफट आप एक सेल्फी लें और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दें, बता दें आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर है। तो इसी तरह ये पेंगुइन्स जब बाहर आई तो इसके साथ भी बड़े पोज दे दे के लोगों ने तस्वीरें बनवाई और इंजॉय किया यकीनन इस बात को। जनाब आपने देख लिया हमारी प्यारी प्यारी सी रिसर्चेस जो हमने आपके साथ शेयर की हैं, आपने यकीनन इसको एंजॉय किया होगा। बहरहाल अभी हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से हम सर्दियों की बात कर रहे हैं तो पहनावों की भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और साथ ही साथ हमारी डाइट बहुत ज़रूरी है। डाइट के लिए ये होना ज़रूरी है कि हमने खाना क्या है, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में क्या क्या खाना है और क्या क्या पहनना है और कहाँ कहाँ जाना है, इस हवाले से भी आपको बताते हैं। आज लाहौर में कौन कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये इवेंट्स हैं इलेक्शन कमीशन कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल वोटर्स डे, ये है 7 दिसंबर, आज डेट है, आज ही हो रहा है ये इवेंट और 10 बजे का वक्त था इसका सुबह और टाउन हॉल में है ये। तो जनाब आप इस इवेंट को एंजॉय कर सकते हैं, आप जा सकते हैं यहाँ पर। अगला इवेंट पंजाब यूनिवर्सिटी सेमिनार ऑन पीस, पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक सेमिनार मुनाकिद किया है और ये पीस पर है। ये भी आज सुबह 10 बजे होने जा रहा है और ये अलराजी हॉल है जहां पर ये होने जा रहा है। अगला इवेंट है अवेयरनेस सेशन ऑन एड्स, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। एड्स का अमूमन हमारी आवाम को इतना पता नहीं होता। ये इवेंट होने जा रहा है यूसीपी ऑडिटोरियम में आज 11 बजे, दोपहर 11 बजे यानी जो अभी। अगला इवेंट है पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 9th इंटर स्कूल एंड इंटर कॉलेजेस गेम और ये है जनाब आज दोपहर 2 बजे पंजाब स्टेडियम फिरोजपुर रोड पे। जिसको स्पोर्ट्स का शौक है वो जाकर देखे, एंजॉय करें। अगला इवेंट मेरे इंटरेस्ट का है और आपके भी इंटरेस्ट का होगा, ये है हम ब्राइडल वीक फैशन शो है और ये होने जा रहा है अलीम डार एकेडमी में आज शाम 5 बजे 5 PM। तो जो फैशन का शौक रखते हैं वो जाएं, इसको एंजॉय करें। वहाँ पर भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि मतलब आपको क्या पहनना है, सर्दियाँ आ गई हैं तो किस तरह से आपने हर चीज़ को कैरी करना है। जनाब जिस तरह इवेंट से पहले मैं ये बात कर रही थी कि हमें क्या खाना चाहिए सर्दियों में, किस तरह से अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहिए, हमने ये देखा है कि अमूमन ख्वातीन क्या करती हैं, ज़्यादा खाना शुरू कर देती हैं और अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो उसमें ख्वातीन वैसे ही कंट्रोल नहीं कर पाती हैं उस तरह से। तो हमें किस तरह की हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, आज हमें बताएंगी जवेरिया। तो जवेरिया बताएं क्या खाना चाहिए हमें सर्दियों में और प्रेगनेंसी में अगर ख्वातीन हो तो उनको क्या करना चाहिए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, आज हम बात करेंगे मिडनाइट क्रेविंग्स की और उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो हंगर अटैक्स होते हैं, जो बहुत रात को एकदम भूख लगती है उसकी वजूहात क्या है और उसमें हम
जो है उसको बैलेंस आउट कैसे करते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि अक्सर औकात हम मिस कर जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि इसकी वजूहत क्या बन रही है। बेसिकली आपकी बॉडी में मिनरल या फिर प्रोटीन जो है वो डेफिशिएंसी होती है। किसी टाइम क्या होता है कि डिहाइड्रेट अगर आपकी बॉडी हो, लाइक टू से दैट अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है, तब भी आपको मिडनाइट क्रेविंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा शुगर की, मीठे की या नमकीन की या चीज़ की, और उसके अलावा जो कार्बोनेटेड बेवरेजेज़ हैं, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा चॉकलेट कंज्यूम करते हैं। तो तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्थ डिज़ास्टर की तरफ लेके जाती हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आप अपनी डाइट से 25% ज़्यादा कंज्यूम करते हैं ऑन द मिडनाइट, और स्पेसिफिकली तब होता है जब आपका पोर्शन साइज कंट्रोल ना हो या आपका आपकी लाइफ में स्ट्रेस हो या उसके अलावा कोई ना कोई माइक्रो मिनरल या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो। तो हमें तमाम चीज़ों को देखते हुए अपना जो है मील प्लान करना होता है। पर उसके साथ उसके अलावा मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि हेल्दी स्नैकिंग के साथ इसको कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। तो उसमें नंबर वन पे कॉर्न्स, बीन्स, ऑलिव्स, और यू कैन से देयर आर लॉट ऑफ सैलेड ग्रुप आ जाता है। फिर आप प्रोटीन पोर्शन, आप अपना जो रात का लास्ट मील ले रहे हैं, अगर आप वो पेट भर के खाना खाते हैं तो दिस इज मोर हेल्दी एंड अमेजिंग। पर साथ ही साथ पानी अगर पीते हैं, मतलब कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, लाइक टू से दैट 12 ग्लास पानी दिन में ज़रूर कंज्यूम करें ताकि मिड नाइट क्रेविंग्स जो हैं उससे बचा जा सके। दूसरा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उनको जो लोग स्ट्रेस इंड्यूस मतलब उसके अलावा हंगर प्रॉब्लम है, स्ट्रेस इंड्यूस उनका जो प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा उनको हंगर अटैक्स होते हैं और वो हमेशा स्नैकिंग की तरफ जाते हैं। अब बेसिकली क्योंकि ह्यूमन हेल्थ आपसे आपका जो स्टमिक हार्मोन है या स्टमिक है आपका या आपके हार्मोन की स्टिमुलेशन ज़्यादा है और आपका खाना बहुत ज़्यादा एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा जब आपसे खाना मांगता है तो होता क्या है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड होते हैं बेवक्त खाना खाने से, यानी मिडनाइट क्रेविंग्स की वजह से। सो उस टाइम जो हेल्दी चॉइसेस हैं उनमें कॉर्न्स आता है, कॉर्न आ जाते हैं, यानी जो मकई होती है, साथ ही साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं। आइदर के रात के टाइम डाइजेशन में उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, पर ये फिर भी कुछ चीज़ें जो हमें खुद भी देखनी चाहिए कि हमें क्यों बेवक्त भूख लग रही है और स्पेसिफिकली बहुत रात के टाइम क्यों। एक तो जो गैजेट्स का इस्तेमाल है जो लोग यूज़ करते हैं और पूरी रात जागते हैं और वो दिन में अपने उस तरह से चीज़ें अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते और उनकी मेंटल, कॉग्निटिव और फिज़िकल डेवलपमेंट्स उस तरह से अच्छी नहीं हो पाती। तो इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आपकी एज, वेट, हाइट क्या है, और उस हवाले से आपने उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे सारा मैनेजमेंट करनी है। सो रिप्लेस योर बैड हैबिट्स विद द गुड हैबिट्स, क्योंकि विल आपके अंदर होती है, आप इसको जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं, जो आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होती है या चेंजेस होती हैं, ये आपके हाथ में होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, साथ ही साथ सोने से पहले पानी के तकरीबन 4 ग्लासेस और पूरे दिन में तकरीबन 12 ग्लासेस, लास्ट मील जो आप लेते हैं वो कंप्लीट मील होना चाहिए, लाइक टू से दैट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, एसेंशियल ऑयल्स, वाटर, माइक्रो मिनरल्स, तमाम चीज़ें उसमें होनी चाहिए। जब आपकी बॉडी कोई ना कोई न्यूट्रिएंट मिस करती है, प्रोटीन या फिर उसके अलावा मिनरल लॉस होता है या कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, तब भी आपको हंगर अटैक्स होते हैं, स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा स्वीटी या फिर बहुत सॉल्टी हंगर अटैक्स होते हैं। तो यहाँ मेरा तमाम उन सुनने वाले लोगों को जो हमें भी सुन रहे हैं और हम मिडनाइट क्रेविंग्स और ये जो रात के टाइम भूख एकदम लगती है ऐसे बात कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि मतबादल हेल्दी गजाई इजनास से अपनी जो है हेल्थ गोल्स को अचीव करें ताकि बीमारियों से भी बचें और बेवक्त खाने से भी। तो जवेरिया ने हमें बेनिफिशियल टिप्स दिए हैं, इस पर आपने अमल भी कर रहे हैं। अभी हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, जिसके बाद हम वापस आएंगे तो अपनी न्यूज स्टोरी आज की क्या है इस पर हम डिस्कशन करेंगे।